Eres que andar. नदिया गाड़ी थे तो इधर हमारी गाड़ी को अलग कर दिया, इसको छोड़ दिया इधर। ये हमारे दो घोड़े हैं, एक ऊपर ऊपर वाला, एक नीचे भी नीचे वाला। तो दोस्तों आज हम वापस से जा रहे हैं कुवैत सिटी, और आज हमारे घोड़े की रेस, आज पक्का ही हमारा घोड़ा जीतेगा, कंफर्म है। दो घोड़े भागेंगे, वन टू भागेंगे दोनों। और ये हमारी गाड़ी दिखा देते हैं, गाड़ी को एकदम साफ वगैरह कर दिया है, और अभी हम निकलने वाले हैं मसीला के लिए। मसीला यहाँ पे कुवैत सिटी है, ठीक है ना, उसमें एक छोटा सा एरिया है उसका नाम मसीला है, ठीक है ना, वहाँ पर जाने वाले हैं। और ये आगे हमारे को पायलट, अगर इंटरव्यू को कुछ हो जाए तो हम चलाएंगे। कुवैत में जैकेट पहन के गाड़ी चलाना बैन है? बैन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैकेट में गर्मी होती है। हाँ, थोड़ी देर में तभी एसी चलाना पड़ेगा। हाँ, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, वो भी पॉकेट से। बाद में लेंगे सेटिया से। हम निकल चुके हैं, निकल रहे हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और हाँ, आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट में अपना गांव का नाम जरूर बताएं, ताकि हमको भी पता चले कि हमारा वीडियो कौन कौन लोग देख रहे हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारा 10,000 घंटा वॉच टाइम हो गया है, सॉरी 4,000 घंटा वॉच टाइम हो गया है, 10,000 व्यूज हो चुके हैं, बस सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुए। यार कंप्लीट कर दो, अब वीडियो तो बहुत अच्छे से देखते हैं पर यार सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज एक सब्सक्राइब से किसी गरीब का भला हो जाए तो आपका क्या जाता है यार। करेंगे सभी सब्सक्राइब करो। और आज हमारे पीछे से गाड़ी है खाली, इसलिए गाड़ी भाग रही है कुत्ते की तरह। अच्छा हाँ, आदि फुल कर दो भाई। आदि आप कहाँ से हो? कैसे हो? बस ठीक है। तो दोस्तों अभी पेट्रोल भरने के लिए रुके यहाँ पर। आप भैया कहाँ के रहने वाले हो? कैमरा यूट्यूब चैनल है मेरा। वेर आर यू फ्रॉम? इंग्लिश? नो अरबी? इंत वैन मकान हिंदी वाला बांग्लादेश बंगाल यार बनता ओए माशाल्लाह मजबूत। तो दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश भाई है हमारा, पड़ोसी मुल्क का, वो इधर पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। ये यहाँ से इराक बॉर्डर, ये देख सकते हैं, ये इराक बॉर्डर के एकदम ऊपर है, ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये झंडा, ये लास्ट चेक पोस्ट है, इसके उधर है इराक, ठीक है ना, वो टावर दिख रहा था वो इराक के अंदर है। और ये यहाँ पे इराक बॉर्डर पे पेट्रोल पंप लगा हुआ है, तो अभी हम हमारी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, इंडिया के हिसाब से देखते हैं कितना आता है इसके अंदर पेट्रोल। यूट्यूब है? मैं मोबाइल चाहेगा। हाँ तुम मोबाइल पे आओगे? हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम है महेंद्र ब्लॉग। महेंद्र ब्लॉग इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तीन रुपये का आ गया है, अभी 4 रुपये का आ गया, लगभग 47 लीटर। और इंडिया के अंदर अपने को बांग्लादेश के अंदर इतना सस्ता मिलता है? नहीं, बहुत दाम है। इंडिया से आता है? इंडिया से बहुत दाम है। हाँ, ये भी सस्ता नहीं, ये तो एक लीटर 55 प्लीज। तो 1 लीटर 55 प्लीज का है, ठीक है ना। इस गाड़ी के अंदर कितना आएगा? पता नहीं, मालूम नहीं। इस गाड़ी के अंदर 135 लीटर आता है, तो यहाँ पर लगभग अपने 10 दिनार का आएगा। 10,000 आएगा? हाँ, 10 दिनार का लगभग आ जाएगा। ये देख सकते हैं कितना स्पीड में जा रहा है, ये गाड़ी के अंदर 80 लीटर चला गया है, ठीक है। और अभी भी देखते जाओ, 7 दिनार का आया।
मेरे ख्याल से ज्यादा जाएगा इसके अंदर। तेरी बंद हो गया। तो यहाँ पर ये दे रहे हैं पैसे। तो दोस्तों अभी सुबह पहुँच गए हम गाड़ी लेके, और यहाँ से करीबन मसीला होगा 30 किलोमीटर। आज ट्रैफिक भी बहुत है क्योंकि यहाँ पर सिटी में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा ही रहता है, उसके लिए थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। बाकी इधर से पहुँच जाता है, उधर का सिटी देखो उधर की। और यह है सोभान, यहाँ पर सब मजदूर लोग रहते हैं जो किराए से रहते हैं, जो बाहर के बीच हैं, बाहर वर्क करते हैं उन लोगों के हैं। और यहाँ पर वो लोग भी रहते हैं जो कुवैत के, मतलब उनकी कुवैत की नागरिकता नहीं है। जब कुवैत और इराक के हमला हुआ था उस समय जो इराक के लोग यहाँ पर आके रहने लग गए, तो उनको यहाँ की नागरिकता मतलब सरकार के थ्रू कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी वो यहाँ पर रह सकते हैं, तो उनको ये बद्दू बोलते हैं। बद्दू हर कुवैती को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। बद्दू वो होता है जिसके उस देश की नागरिकता नहीं होती, उसको बद्दू बोलता है। वो दूसरी कंट्री का रहता है ना, उसको बद्दू बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप कभी भी काम करते हैं तो कोई भी मतलब अपने सेठ को किसी को मत बोलना वो बद्दू, बद्दू मत बोल, बद्दू बोलने पर वो गुस्सा होते हैं, ठीक है ना। और ये बात किन किन को पता नहीं थी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है और ऊपर फ्लाइट जा रही है, तो फ्लाइट को देख के गाँव के मन में आ गई है, ठीक है। और आगे गाड़ी को पता नहीं ये क्या साबित करना चाहता है यार। फ्लाइट नहीं आ रही। ये आ गया जलीब, इसको बोलते हैं जलीब, ठीक है। ये पूरा जलीब का एरिया है। जलीब के आगे फरवानिया, फरवानिया के आगे सुभान, ये पूरा जलीब है। यहाँ पर भी जो लोग रहते हैं काम करने वाले, उनको थोड़ा अच्छा जॉब है, उनके लिए थोड़ा अच्छा घर दिख रहा है। और जो अच्छा जॉब करते हैं उनके लिए है ये पूरे के पूरे घर। और यहाँ पर आप ट्रैफिक देख सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको बाइक देखने को नहीं मिलेगी, चला यहाँ पर कोई भी बाइक कहाँ पर भी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है ना, इस रोड पे। क्योंकि यहाँ पर हर लोग है वो गाड़ी परचेज करता है, बाइक कम लोग परचेज करता है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल सस्ता है और गाड़ी भी सस्ती मिल जाती है। यहाँ पर टैक्स थोड़ा भी नहीं लगता है, ठीक है। अपने इंडिया में 50% टैक्स लग जाता है, जो गाड़ी की कीमत होती है उससे आधी तो डबल हो जाती है, यानी 50 लाख है तो उसको 75 लाख देना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि 50% टैक्स हो जाता है। इधर वो सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सस्ती गाड़ी मिल जाती है। अगर आप कैमरी और जो होंडा की कोई भी गाड़ी शिफ्ट वगैरह लेने जाओगे तो यहाँ पर आपको इंडिया के 40,000 तक अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी, ठीक है ना, 40-50 हज़ार तक। कितनी घोड़ों की गाड़ी आई हुई है, सब घोड़ों की गाड़ी लेके आ रहे हैं। और देखते हैं किसका घोड़ा जीतता है, हमारे को जिस वाले जीतते हैं और हमारा दूसरा घोड़ा कैसा भागता है।
अर्धा वे डेढ़ ला रही है की ठो रुकी अर्धा वे कोई भारी है जो राइसी और इस्लाम अलहदीया फी ओ मन्नत अटली है।